हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन शर्मा और आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो आपकी क्लास 12th की BST का चैप्टर नंबर 4 है, प्लानिंग। आज की जो वीडियो है इसमें हम इसकी प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और फीचर को डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखो बेटे, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट द ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले अपना टारगेट सेट कर लेना होता है। अगर हमारे पास कोई टारगेट सेट नहीं किया हुआ, हमने हमें यही नहीं पता कि हमें करना क्या, तो हम प्लानिंग किस चीज़ के बारे में करेंगे, ठीक है ना। अगर मुझे खाना पकाना है, ठीक है ना, मैंने अपना टारगेट सेट किया कि मुझे खाना पकाना है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करूँगा, मैं प्लानिंग करना शुरू करूँगा। लेकिन अगर मुझे यही नहीं पता कि मुझे खाना पकाना है, खाने में क्या बनाना है, तो क्या मैं इसके लिए कुछ प्लानिंग कर सकता हूँ? नहीं कर पाऊँगा। तो इसने कहा कि प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग के लिए सबसे पहले आपको सेटअप करना पड़ेगा, तैयार करने पड़ेंगे अपने ऑब्जेक्टिव। आगे समझ में? देखो बेटे, प्लानिंग स्टार्ट विद डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग स्टार्ट ही तब होगी जब आप अपने ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन कर लेंगे, उन्हें सेट कर लेंगे। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन द एबसेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर आपने ऑब्जेक्टिव को सेट नहीं किया तो उसके अभाव में आज है ना, आप प्लानिंग को के बारे में सोच भी नहीं सकते। आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव प्लानिंग डिसाइडेड द मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड स्टेप टू बी टेकन फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव। जब आप एक बार ऑब्जेक्टिव अपना सेट कर लेते हैं, उसके बाद आप प्लानिंग के अंदर डिसाइड करते हैं कि आप क्या मेथड, क्या प्रोसीजर, क्या स्टेप लें कि उन किन चीज़ों का आप यूज करें ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को जो है ना इजीली अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट आता है, देखो प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की थी, उसका पहला फंक्शन जो मैनेजमेंट का होगा वो प्लानिंग ही होता है। क्योंकि प्लानिंग क्या करेंगे हम, क्या करें, सबसे पहला जो करते हैं प्लानिंग ही करते हैं। प्लानिंग इज़ द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाई एवरी मैनेजर। हर मैनेजर के द्वारा जो पहले परफॉर्म किया जाता है, सबसे पहला फंक्शन, सबसे प्राइमरी जो फंक्शन होगा वो होगा प्लानिंग। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाई द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन, बिकॉज ऑब्जेक्टिव आर सेटअप इन द प्लानिंग एंड अदर फंक्शन डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव ओनली। देखो बेटे, अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि प्लानिंग के अभाव में, प्लानिंग ना होने करने की वजह से हम कोई अपना जो है ना मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन यूज क्यों नहीं कर सकते। इसने बताया कि जब भी हम कोई अपना जो है ना अब मैनेजमेंट का अदर फंक्शन फॉलो करेंगे, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है अपने ऑब्जेक्टिव्स की। लेकिन ऑब्जेक्टिव को जो आप डिसाइड करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, ऑब्जेक्टिव को जो हम डिसाइड करते हैं वो करते हैं प्लानिंग के अंदर। तो सीधी सी बात है, आपके जितने भी फंक्शंस हैं ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड है और ऑब्जेक्टिव आपका प्लानिंग पर डिपेंड है, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको जो फंक्शन फॉलो करना पड़ेगा मैनेजमेंट का, वो होगा आपका प्लानिंग। इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मैनेजर असाइन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉयज एंड द लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। देखो बेटे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स क्या करते हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ में, ठीक है ना। तो उनका अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल जो होगा, ठीक है ना, किसे कितनी अथॉरिटी देनी है, कितने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, वो होगा उनके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। जब आप, लेकिन अगर आपने प्लानिंग नहीं किया तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता, फिर किसके अकॉर्डिंग हम जो है ना हो जाएंगे। सिमिलरली इन स्टाफिंग द एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड, द नंबर एंड द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज असाइन डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। जैसे कि स्टाफिंग की यहाँ पर बात करते हैं, तो स्टाफिंग में भी जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ना अपॉइंट करते हो, वो किस चीज़ पे अपने आपको पता होना चाहिए कि आपको किस लेवल का एम्प्लॉय चाहिएगा, ठीक है ना, और क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्टिव पर। लेकिन जब आपको ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता तो आप कैसे जो है ना स्टाफिंग कर सकते हैं। सो प्लानिंग ऑलवेज प्रीसीड्स एंड रिमेन एट नंबर वन एज कम्पेयर टू द अदर फंक्शन। इसने कहा है कि प्लानिंग हमेशा मैनेजमेंट के जो फंक्शन होंगे, जो स्टेप होंगे, उनमें नंबर वन पोजिशन पर ही रहेगा। नेक्स्ट आ गया आपका परवेसिव। परवेसिव बोलते हैं आप, सी वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो, कॉमन फॉर ऑल।
जो प्लानिंग है वो आप किसी भी तरीके के बिजनेस में करें, वो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग जो जरूरी होती है मैनेजमेंट के हर लेवल पर जरूरी होती है, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होती है। इट इज़ नॉट फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड टू द टॉप लेवल मैनेजर ओनली, बट प्लानिंग इज डन बाय द मैनेजर एट एवरी लेवल। ना ही हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग जो करेगा केवल टॉप लेवल ही करेगा, हर लेवल के मैनेजर को जो है ना प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर मेन प्लान जो बनाएगा टॉप लेवल बनाएगा, उससे जो है ना परफॉर्म करने के लिए मिडिल लेवल लोअर लेवल के प्लान बनाएंगे, लोअर लेवल अपने सबॉर्डिनेट्स के प्लान बनाएंगे, सबॉर्डिनेट उसे अचीव करने के लिए अपने प्लान को तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट का कोई भी लेवल हो, आपको जो है ना प्लानिंग जरूर करनी पड़ेगी। फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्लान एंड फ्रेमिंग द ओवरऑल पॉलिसीज द टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजर, वेयर डिपार्टमेंटल मैनेजर फॉर्म प्लान टू देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। देखो इसने कहा है कि जो मेजर प्लान होते हैं उन्हें तैयार करने का काम, मेजर प्लान से पॉलिसीज को तैयार करने का काम टॉप लेवल करेगा। उसके बाद जो डिपार्टमेंट के लिए जो प्लान तैयार करेंगे वे आपके मिडिल लेवल करेंगे, और लोअर लेवल जो है ना उनके सपोर्टिंग प्लान तैयार करेगा जिसमें डे टू डे एक्टिविटी को अपनी चला सके, ठीक है बेटे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। कि प्लानिंग जब भी आप करते हो तो हमेशा फ्यूचर के लिए करते हो, वो ये नहीं है कि आप प्रेजेंट या पास्ट के लिए प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है ना। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, और प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। प्लानिंग क्या करते हैं, जब भी हम करते हैं तो फ्यूचर के लिए ही करेंगे, भविष्य के लिए करेंगे। प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट, कभी भी पास्ट के लिए नहीं की जाती। ऑल द मैनेजर ट्राई टू मेक प्रडिक्शन एंड एजप्शंस फॉर द फ्यूचर, एंड दीज प्रडिक्शंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर एंड विद रेगुलर एंड इंटेलिजेंस स्कैनिंग ऑफ जनरल इन्वायरमेंट। इसमें कहा है कि प्लानिंग जो केयर करते हैं मैनेजर, वो किस तरीके से करते हैं ताकि फ्यूचर में जो कोई भी आपको होने वाले नुकसान से बचाओ, वो कोई प्रडिक्शंस हो उसके लिए करते हैं। और वो प्रडिक्शंस लेकर के कहाँ से आते हैं, जो आप उनका पुराना एक्सपीरियंस है मैनेजर का, ठीक है ना, उससे लेकर के आएंगे। और उससे जो है ना आपके जो जनरल इन्वायरमेंट है मैनेजर का, उसे रेगुलरली स्कैन करते रहेंगे, ठीक है ना। और अपनी इंटेलिजेंस के बेस पे जो है ना सही डिसीजन लेंगे, फ्यूचर के लिए आप प्लान तैयार करेंगे। नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूस। यस, प्लानिंग इज कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, यानी कि मैंने प्लानिंग आज की, फिर मुझे पूरे साल प्लानिंग ही नहीं करनी है अपने बिजनेस के लिए। नहीं, प्लानिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, मुझे रेगुलरली अगर बिजनेस के मार्केट के अंदर बना रहना है तो प्लानिंग करते रहना पड़ेगा। प्लानिंग इज नेवर एंडिंग और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान्स ऑल्सो वन हैज़ टू बी इन टच विद द चेंज इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड इन सेलेक्शन ऑफ वन बेस्ट वे। देखो हमें पता है कि जो आपका इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट, अपना लास्ट चैप्टर पढ़ा, वो ऑलवेज चेंजिंग है। कभी लोगों के टेस्ट में चेंज आ रहा है, कभी फैशन में चेंज आ गया, ठीक है ना। तो अगर आप प्लानिंग कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो आप जो है ना जो इन्वायरमेंट चेंज होता रहेगा उसके टच में रहेंगे, और उनके हिसाब से एक अच्छे प्लान आप तैयार करते रहेंगे, ठीक है ना। अगर कोई कंपनी जो है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्लान को तैयार नहीं कर पाती, उसे तैयार करने में फेल हो जाती है, तो उसका नुकसान उसे उठाना जरूर पड़ेगा। सो आफ्टर मेकिंग प्लान्स आल्सो प्लानर कीप मेकिंग चेंजेस इन द प्लानिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। के प्लान बनाने के बाद भी जो प्लानर्स होंगे उन्हें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी के अंदर चेंज लाने पड़ेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द प्लान इज मेड ड्यूरिंग द बूम पीरियड, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन पीरियड देर इज डिप्रेशन पीरियड, देन प्लानर्स हैव टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ प्रिवेलिंग। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बूम पीरियड को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। जब कंपनीज के शेयर, आप जो आपकी शेयर मार्केट होगी, ठीक है ना, उसमें आप बेचते हो तो वो अच्छे रेट पे बिकेंगे, मार्केट बूम पर होगी, वहाँ पर बहुत सारे जो है ना बायर्स खरीदने के लिए उन्हें तैयार होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि आपकी मार्केट जो है बूम पर है, ठीक है ना। लेकिन जब आपकी जो शेयर मार्केट होगी वहाँ पर जो बायर्स होंगे वो अवेलेबल नहीं होते, ठीक है ना, मार्केट के अंदर इतना पैसा नहीं होता,
तब उसे हम बोलते हैं डिप्रेशन पीरियड, जब लो पीरियड चलता है। तो कोई आपने बूम पीरियड में अगर प्लान बनाई है, ठीक है ना, उसके लिए आपको अलग प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी, लेकिन जो डिप्रेशन पीरियड होगा उसके लिए आपको अलग से प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इस तो कैसे क्या कह सकते हैं कि प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपको अकॉर्डिंग टू टाइम अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्लानिंग चेंज करते रहना पड़ेगा। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में आप क्या करते हैं, प्लानिंग कि किसी के बारे में तो वो आपको बताए फ्यूचर में आपको डिसीजन क्या लेना है। द प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एंड वी हैव टू सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। प्लानिंग फंक्शन में ज़रूरत किस चीज़ की होती है कि आपके पास बहुत सारे अल्टरनेट जो हैं अवेलेबल हैं, उनमें से आपको किसी एक का सिलेक्शन करना है। वी कैन नॉट इमेजिन प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ चॉइस। अगर आपके पास चॉइस ही नहीं है तब आप प्लानिंग को इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है ना, प्लानिंग के बारे में सोच ही नहीं सकते। बिकॉज इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर इवेल्युएट वेरियस अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्योंकि प्लानिंग के अंदर आपको जो मैनेजर सोचते हैं वो क्या करते हैं, जो अलग अलग आपके अल्टरनेट्स होते हैं उन्हें जो है ना इवेल्युएट करेंगे और उन्हीं के हिसाब से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। बट इफ़ देर इज़ वन अल्टरनेटिव अवेलेबल दैन देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लानिंग। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, केवल एक ही ऑप्शन आपके पास है, तो वहाँ पर आपको प्लानिंग करो या ना करो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल टू इम्पोर्ट द टेक्नोलॉजी, इफ़ द लाइसेंस इज ओनली विद STC स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जो है, उससे आपको अगर आप इम्पोर्ट करते हैं किसी टेक्नोलॉजी को, तो इससे आपको जो है ना परमिट लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। देन कंपनीज हैव नो चॉइस बट टू इम्पोर्ट द टेक्नोलॉजी थ्रू STC ओनली। यहाँ पर कंपनीज के पास चॉइस है ही नहीं कि वो इसके अलावा कोई ऑप्शन यूज कर सकते हैं, उन्हें इससे लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। बट देर इज़ 4 or 5 इम्पोर्ट एजेंसीज included in the task, then the planners have to evaluate terms and condition for all the agencies and select the most suitable for company's point of view. देखो इसने क्या कहा है कि लेकिन अगर आपके पास जो है ना इस तरीके की कंपनी 4 या 5 हों, तो हम क्या करेंगे, सबके टर्म्स कंडीशंस देखेंगे और उनमें से जो बेस्ट लगेगा उसी को जो है ना आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्लानिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग के लिए आपको ज़रूरत होगी जो है ना प्लानिंग के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। किस चीज़ का डिसीजन, अलग अलग अल्टरनेटिव में से आपको जो है ना एक बेस्ट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, हम बैठे बैठे यहाँ से सोचते हैं, ठीक है ना। कोई भी आदमी अपने ऑफिस में बैठा हुआ सोच सकता है कि हमें फ्यूचर में ऐसा करना है वैसे करना है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है ना। इट इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज, इट इज़ ए प्लानिंग इज मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर हायर थिंकिंग, दैट इज वाई इट इज़ कैप्ट सेपरेट फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ बाई टेलर। जिसने कहा है कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, मेंटल प्रोसेस है, ठीक है ना, किसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए। इसे जो टेलर था उन्होंने उसे जो था ना फिजिकल एक्टिविटीज से जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ थी उनसे अलग रखा, उस डिपार्टमेंट को उसने दो जगह डिवाइड कर दिया, जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था। इन प्लानिंग एजप्शंस द प्रडिक्शन रिगार्डिंग फ्यूचर एंड द मेड बाई स्कैनिंग द एनवायरमेंट प्रॉपरली। प्लानिंग के अंदर आप डिसीजन लेते हैं कि फ्यूचर में आप होने वाली किसी भी समस्या के लिए प्रडिक्शंस अपने पास रखे हैं और एनवायरमेंट को स्कैन करते रहें। दीज एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। इस एक्टिविटीज़ के लिए आपको एक अच्छी इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी। सेकेंडली द प्लानिंग वेरियस अल्टरनेटिवस आर इवेल्यूटेड एंड द मोस्ट सुटेबल इज सेलेक्टेड विच अगेन रिक्वायर हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। इसने कहा है कि अगर मार्केट के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो सबको आपको सेलेक्ट कर ले अपने पास रखना है और उनमें से एक बेस्ट का सिलेक्शन करना है। यहाँ पे भी आपका एक हाई इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी। सो इट इज़ राइट टू कॉल प्लानिंग इज इंटेक्चुअल प्रोसेस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है एक इंटेक्चुअल एसेट्स है, ठीक है बच्चे। तो ये मैंने 7 फीचर्स इसकी बताई हैं, इन्हें आप ध्यान से याद करेंगे।